नमस्ते गाइस, जैन कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली मेट्रो के अपडेट के बारे में। एनी अपडेट जो है मार्च 2024 का होगा। इस अपडेट में आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है एंड एक बैड न्यूज़ है। देखिए, बैड न्यूज़ ये है कि जो फेज़ फोर का काम चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। एंड ये वाला जो प्रोजेक्ट है जिनमें तीन मेन लाइंस बनेंगी, ये पूरा काम जो है अब 2026 तक कंप्लीट होगा। यानी जो पिंक लाइन एक्सटेंशन है, जो मजेंटा लाइन का एक्सटेंशन है एंड जो तुगलकाबाद वाली जो लाइन है, ये तीनों लाइंस अब जो हैं 2026 तक ही कंप्लीट हो पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जो है गुड न्यूज़ ये है कि तीन और जो लाइंस थी जिसमें रिठाला से बवाना थी एंड एक साकेत जी ब्लॉक से लाजपत नगर थी एंड इंदलोक से इंद्रप्रस्थ वाली जो लाइन थी, इसमें से साकेत जी ब्लॉक लाजपत नगर एंड इंदलोक इंद्रप्रस्थ वाली लाइन को अप्रूवल मिल चुका है एंड इसके अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है। ये वाली जो लाइन है ये 2029 तक बन के तैयार हो जाएगी। एंड मेट्रो नेटवर्क में जो है दो नई लाइन्स और जुड़ जाएंगी। जो लाजपत नगर वाला जो स्टेशन होगा वो अगेन एक ट्रिपल इंटरचेंज होगा, जिसमें आपको पता है जैसे वॉयलेट लाइन और पिंक लाइन निकलती है, तो अब एक ये वाली लाइन और निकलेगी। इसके अलावा आज़ादपुर जो है आफ्टर फेज़ फोर एक ट्रिपल इंटरचेंज हो जाएगा, जैसे कि कश्मीरी गेट है। तो ये दो मेन अपडेट्स हैं एज़ पर मार्च 2024 दिल्ली मेट्रो के। एंड आगे आने वाले टाइम में ये कहा जा रहा है कि पिंक लाइन जो है वो हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक स्टार्ट हो जाए एंड कुछ सेक्शन ऑफ मजेंटा लाइन स्टार्ट हो जाएगा जो आपका जनकपुरी से आर के आश्रम तक का है। बट जहाँ तक सिल्वर लाइन की बात है जो कि तुगलकाबाद से एरो सिटी है, एंड जो रिमेनिंग पार्ट होगा मजेंटा लाइन का वो 2026 तक ही चालू होगा। आपको और कुछ कहना हो इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।